अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज अहमद लतीफ गुमान। और चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये भी बेसिकली हमारा सीरीज जो हमने स्टार्ट की हुई है उसी से रिलेटेड है। तो हमारे पास जो मॉडल है राउटर का, ये है माइक्रोटिक का, और ये माइक्रो बोर्ड है, सॉरी राउटर बोर्ड है 750UP। तो जैसा कि पता है, हम हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जा रहे हैं। इतनी ज़्यादा कन्फिग्रेशन हो चुकी है कि आप एक अच्छा खासा सर्विस प्रोवाइडर का काम कर सकते हैं। तो खैर, आज का जो टॉपिक है उसमें हम अपने जो इस जो हमने सेटिंग की हुई है, मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन की है, उसको किस तरह से सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप हमारे केस में देखेंगे तो हम यहाँ पे इसको कैंसिल करता हूँ और फिर से इसको ओपन करता हूँ, तो ये हमारे कॉन्फ़िगर कनेक्ट करूंगा तो हो जाएगा। किसी किस्म का कोई सिक्योर नहीं है, कोई पासवर्ड नहीं लगा हुआ इसको। तो इसका किस तरह से पासवर्ड लगा सकते हैं उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम जाएंगे सॉरी सिस्टम में जाते हैं इसको पासवर्ड लगाने के लिए। तो यहाँ पे आपको एक पासवर्ड की ऑप्शन मिलेगी, यहाँ पे पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ। ओल्ड पासवर्ड तो हमारे पास है नहीं है, नया पासवर्ड यहाँ पे पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम एंटर कर देते हैं। उसके बाद कंफर्म करने का बोल रहा है। अब मैंने इसको लगा दिया, अब मैं इसको चेंज पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये हमारा सिस्टम जो है सिक्योर हो चुका है, इस पे डिवाइस पे मतलब चल चुका है, इसकी पासवर्ड एसएस दे चुकी है इसको। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं अगर इसको क्लोज करता हूँ, वापस से इसको हम ओपन करेंगे इसको। अब अगर मैं इसको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ तो ये मुझसे पासवर्ड मांगेगा, मतलब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आ चुका है हमारे पास एरर, रॉन्ग यूजर नेम और पासवर्ड। हमें इसके यहाँ पासवर्ड देना पड़ेगा। अब मुझे यहाँ पे इसको पासवर्ड देना पड़ेगा जो मैंने अभी अभी लगाया है। तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, एंटर करता हूँ मतलब कनेक्ट करने के लिए। तो लीजिए, हमारी जो अभी हमने कॉन्फ़िगरेशन की है पासवर्ड की, वो सक्सेसफुली हो चुकी है। इस तरह से आपको अपने जो डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन है आप उनको सिक्योर रखिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें होती हैं, अगर किसी से छोटी सी मिस्टेक हो जाएगी तो ये सारे का सारा मुद्दा मतलब मुसीबत पड़ जाएगी आपको। फिर आपको स्टेप बाय स्टेप उसको ट्रबल शूट करना पड़ेगा। तो उसी से बचने के लिए हम ये इसको पासवर्ड लगा के रखते हैं, ताकि कोई भी इसमें आके कोई छेड़छाड़ नहीं कर सके। तो आई होप आप लोगों को वीडियो की समझ आ चुकी होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फी अमान अल्लाह एंड अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं हम किस तरह से इसको मतलब इसके फ्रेमवेयर को किस तरह से अपडेट कर सकते हैं। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज।